अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आशमास किचन। आज हम आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिखने में भी बहुत अच्छी लग रहे हैं, इतना ही आपको मज़ा इन्हें खाने में आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 कप पोहा। तो पोहे में हमने डाल दिए 2 हरी मिर्ची और 2 छोटे टुकड़े हमने डाल दिए अदरक के, और 3 चम्मच हमने दही इसमें डाल दिया है। डालेंगे 2 कप पानी और अब हमने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेना है, इतना इसको फाइन बना लेना है। और अगर पानी कम हो तो आप इसमें बाद में पानी मिला के कर ले, पर हमें इतने ही कंसिस्टेंसी का इसको बनाना है। आप देख लीजिए, आप इसमें डाल देंगे हम नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हमने खाने वाला सोडा डाल देना है। इसको अच्छे से फेंट लेना, देखिए इसमें बबल्स आ गए। अब इसमें हमने डाल दी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और इसको चला लें, और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। और यहाँ पर हम इसको 10 मिनट बाद देखेंगे, तो देखें बबल्स कितने अच्छे से आ गए हैं, फूल चुका है ये। और अब यहाँ पर इसको इस तरह से हम इसमें मिला देंगे 2 चम्मच करीब मैदा इसमें मिला देंगे। तो मैदा मिलाने से क्या होगा, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी और हमारा जो नाश्ता है बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। अब हमने तेल को लगा लेना है पैन पे, मतलब पैन को हमें ग्रीस कर लेना है और बैटर को हमें डाल देना है। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बैटर डाल दें, और फिर उसके बाद इसमें ग्रेटेड कैरेट ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, और थोड़ी सी हम अनियन भी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब यहाँ पे हमने इसमें लगा देंगे कैप्सिकम, तो ये कैप्सिकम हमें इस तरह से इसमें प्लेस कर देनी ताकि इसमें आसानी से चिपक जाए, और ये सब गीला रहे तभी कर लें ताकि ये चिपक जाए। और ऊपर से हम इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, और अब हम इसको ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए बस। और फिर उसके बाद आप इसको चेक कर लें, और अगर ये नहीं हुआ हो तो इसको वापस से ढक कर रख दें। और अब यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे, तो पलटने के बाद भी हम इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल साइड में डाल दें और 2 मिनट के लिए इसको वापस से लो फ्लेम पर हम ढक कर रख देंगे। इधर की साइड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखें हमारा ये जो नाश्ता है बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें प्लेट में निकाल लेंगे, है ना मज़ेदार, एकदम बढ़िया रेसिपी, न्यू रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हमने वापस से दूसरा बना लेना है, तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेना है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपके घर में बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। इसका लुक सिमिलर टू पिज़्ज़ा लग रहा है, तो बच्चे अट्रैक्ट होकर इसको ज़रूर खा लेंगे। तो ये देखें हमने अब इसमें सारी कोकोनट और कैरेट और अनियन को डाल लेना है, इस तरीके से स्प्रेड कर दें पूरा ओवरऑल। और उसके बाद कैप्सिकम को जैसे हमने पहले प्लेस किया था वैसे ही प्लेस कर देंगे, तो मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे बनाइए, कभी घर पर गेस्ट आए उन्हें भी खिला सकते हैं आप, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और नाउ इसमें हमने डाल दिए हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऊपर से और वापस से ढक कर रख दिया है, और अब यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे। पलटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, या फिर पलट कर आप साइड से भी डाल सकते हैं जैसे हमने पहले वाले में दिखाया था। तो दोनों तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दें, पलट लिया है अब हमने। अब इसको हम वापस से ढक कर पका लेंगे, और देखिए उसके बाद हमने इसको वापस से पलट लिया है, है ना मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो फटाफट से आप इसको बनाइए, बहुत ईजी है और बहुत यमी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।